हेलो एवरीवन। तो सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप की एक नई भर्ती आई है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी आवेदन तिथि क्या है, आयु, योग्यता, फीस और कौन कौन सी ट्रेड को मौका यहाँ पर दिया गया है इस अप्रेंटिसशिप में। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और वो स्टूडेंट्स जिनकी अभी ITI हुई है लेकिन उनको अभी सर्टिफिकेट और उनका ITI मार्कशीट नहीं मिला है, तो वो क्या इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाँ पोस्ट देखिए, 2409 पोस्ट हैं यहाँ पर टोटल सभी ट्रेड को मिला के। अब कौन कौन सी ट्रेड हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए 29 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 29 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और 28 सितंबर तक ऑनलाइन आपका होगा ये, ठीक है। लगभग एक महीना है, तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो भी आप करवा लीजिएगा किसी भी साइबर कैफे से, जन सेवा केंद्र से, ठीक है। तो आपके पास काफ़ी टाइम है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरीके से सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन देखिए आपका मेरिट बेस होगा, सीधा है। अब मेरिट बेस कैसे कि आपकी देखिए 10th की मार्कशीट, 10th के नंबर आपके जुड़ जाएंगे प्लस ITI मार्क्स, ठीक है। 10th क्लास के 10th प्लस ITI आपकी योग्यता होनी चाहिए। योग्यता की अगर बात की जाए तो 10th और ITI होनी चाहिए। अब 10th में 50% नंबर तो आपके होने ही चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन हो गया, योग्यता हो गई, 10th प्लस ITI इसमें मांगी गई है। अब यहाँ पर नीचे बात करते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स, NCVT और SCVT दोनों स्टूडेंट्स। अगर आप NCVT से आपने ITI किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि अप्रेंटिसशिप के लिए कोई कोई SCVT के स्टूडेंट्स नहीं मांगते हैं, लेकिन इसमें NCVT और SCVT दोनों के ही स्टूडेंट्स मांगे गए हैं। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप वहाँ से देख लें, अच्छी तरीके से पूरा का पूरा पढ़ लें। अब यहाँ पे क्लस्टर की बात की जाए तो मुंबई के क्लस्टर में इतने सारे यूनिट्स आएंगे। अब ये पूरी हम डिटेल में नीचे जाएंगे ट्रेड के बारे में। ये क्लस्टर्स हैं देखिए, भूसावल, पुणे, नागपुर और सोलापुर, ये आपके क्लस्टर हैं और ये यूनिट्स हैं, ठीक है। अब सॉरी नीचे अगर जाते हैं तो अब यहाँ पर देखिए, अप्रेंटिसशिप विल बी इंगेज इन द फॉलोइंग ट्रेड्स। मुंबई क्लस्टर में देखिए कौन कौन से ट्रेड को मौका दिया गया है। ट्रेड यहाँ पर देखिए, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर और टेलर, ठीक है। ITI पास इन ट्रेड टू बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, सेविंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, यानी कि जिन लोगों ने ड्रेस मेकिंग और सेविंग टेक्नोलॉजी में किया है ITI, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसमें? मुंबई क्लस्टर में। अब ट्रेनिंग पीरियड देखिए कितना होता है, 1 साल का होता है, यहाँ पे दिया भी गया है 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। इसमें मुंबई क्लस्टर में टोटल कितनी है, 258 है टोटल, ठीक है, 258 है मुंबई क्लस्टर में। अब नीचे आते हैं, ये देखिए जनरल OBC SC ST सभी को डिफाइन किया गया है यहाँ पर, तो टोटल कितना है, 258 है इसमें। अब बात आते हैं कल्याण डीजल सील्ड में। कल्याण डीजल सील्ड में देखिए इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर और प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, यानी कि कोपा ट्रेड। बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि कोपा ट्रेड के लिए क्यों कुछ वैकेंसी क्यों नहीं आ रही, तो अप्रेंटिसशिप के लिए आपकी वैकेंसी आ गई है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कोपा ट्रेड के स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, वेल्डर और कोपा के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है। अब अगर नीचे आते हैं तो मैकेनिक डीजल यहाँ पर भी है, तो इसकी टोटल पोस्ट होगी कितनी, 50, ठीक है, इसमें है 50 टोटल पोस्ट। अब कुर्ला डीजल सील्ड में कौन सी ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल, तो इसमें टोटल पोस्ट है 60, ठीक है। टाइम पीरियड यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको ITI ट्रेड भी दिख जाएगी और यहाँ पर भी आपको दिख रही है, मेंशन हो रही है। पैरल वर्कशॉप की बात करें तो इसमें देखिए ट्रेड है फिटर, मैकेनिक, सील्ड, मेटल वर्कर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक, मशीन टूल्स मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। यहाँ पर देखिए फिर कोपा के स्टूडेंट्स की बात आ गई है, कोपा ट्रेड, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, पेंटर, तो इसमें देखिए 303 पोस्ट हैं, ठीक है, टोटल कितनी है, 303 है। मुंबई क्लस्टर की ये भी बात हो रही है मैकेनिक, यहाँ पर आप ट्रेड देख लीजिए, मैं जितना पढ़ूँ उतना कम है क्योंकि यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कौन सी ट्रेड है, कौन कौन सी, आप लोग देख सकते हो, ठीक है।
आप लोग ये पूरा ट्रेड वाइज देख सकते हो कि कौन कौन से ट्रेड में कौन कौन से एरिया में हमें यहाँ पर मौका दिया गया है, कौन कौन सी ट्रेड के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे अगर आते हैं यहाँ पर आप देख लीजिएगा अपनी ट्रेड, ठीक है, भूसावल क्लस्टर, हर एक चीज का अलग अलग डिफाइन किया गया है। अगर पूरा मैं पढ़ूंगी तो ये बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ट्रेड तो देख ही ली होंगी, जो कॉमन ट्रेड है वो आप अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, 29 तारीख जब आ जाए तब आप जनसेवा केंद्र से अप्लाई करवा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बिना आपका कुछ मान्य नहीं होगा, आप सीधे अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करने लगोगे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कीजिए, इसके बाद आप इस अप्रेंटिसशिप में अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट में आप लोगों को बता देते हैं कि आपने ट्रेड देख ली कि कौन कौन सी ट्रेड को यहाँ पर मौका दिया गया है, क्लस्टर वाइज आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो इसका पूरा का पूरा जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। ट्रेड आपने देख ली है, ठीक है, अब बात करते हैं आवेदन तिथि की, तो वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आवेदन तिथि आप लोगों की 29 अगस्त से 28 सितंबर है। ठीक है, और योग्यता क्या है, ठीक है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, पढ़ना मुश्किल है और पढ़ूंगी तो आधा घंटा लग जाएगा, तो शॉर्ट में आपको पूरा बता दे रही हूँ। योग्यता इतनी होनी चाहिए 10th+ ITI, और फीस यहाँ पर देखिए, फीस यहाँ पर आपकी 100 रुपये लगने वाली है, 100 रुपये लगने वाली है। अब फीस फ्री किन के लिए है, जो SC हैं, ST हैं, प्लस जो वुमेन हैं या फिर लड़कियाँ, जिनको बोल सकते हैं वुमेन या लड़कियाँ, ठीक है, SC और ST इन पर, सॉरी यहाँ पे SC है, SC और ST प्लस वुमेन इन पर फीस नहीं लगेगी। ठीक है, 0 रुपये लगने वाला है, इन पर फीस नहीं लगने वाली है। और आपकी देखिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, आयु सीमा देखिए होनी चाहिए 15 साल से 24 साल, और जो आयु सीमा में छूट दी जाती है वो SC और ST में 5 साल, SC और ST में 5 साल दी जाती है। ठीक है, और OBC में कितने साल, सभी को पता है 3 साल की छूट दी जाती है आयु सीमा में, इतना आप लोग समझ गए हैं। NCVT और SCVT दोनों को मौका दिया जा रहा है यहाँ पर, और फीस की बात हुई तो 100 रुपये फीस लग रही है। अब एक नया सवाल कि हम नए स्टूडेंट्स हैं, अभी अभी हमारा रिजल्ट आया है, लेकिन अभी तक हमें ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला है, तो हम क्या करें, हम क्या करें। ठीक है, आपका यही सवाल है कि हम क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपका बहुत मन है कि रेलवे की अप्रेंटिसशिप आई है, इसको छोड़ना नहीं है, राइट, रेलवे की अप्रेंटिसशिप है, इसको छोड़ना नहीं है। मैं खुद कह रही हूँ नहीं छोड़ना है इसको, रेलवे बहुत काम की चीज़ है, इससे अप्रेंटिसशिप तो करना ही चाहिए। अब आपके मन में सवाल कि हम नए स्टूडेंट्स, हमारा सर्टिफिकेट नहीं आया है, मार्कशीट नहीं आई है, हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। भैया यहाँ पर देखिए आवेदन की तिथि 28 सितंबर है, और अगर आपको आप 17 सितंबर को अपने कॉलेज से ले लेते हो, 17 सितंबर को आपको आपका मार्कशीट, ठीक है, और आपका सर्टिफिकेट, दोनों चीज मिल जाएंगी, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको दोनों चीज मिल जाएंगी, तो आपके पास 11 दिन का समय है, 11 दिन, मैं इंग्लिश में क्यों बोलती थी, 11 दिन का समय है। ठीक है, तो आप लोग डेफिनेटली अप्लाई इसमें कर सकते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, ठीक है, आलस नहीं करना है, थोड़ा जल्दबाजी दिखानी, क्योंकि 17 सितंबर को आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिलेगा, और आपको तुरंत क्या करना है, तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाना है अप्रेंटिसशिप इंडिया पर, आप apprenticeshipindia.gov.in ये वेबसाइट है, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तुरंत के तुरंत 11 दिन में ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी ये घबराने की बात नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे, मेरी हाथ से तो ये अप्रेंटिसशिप गई नहीं गई, भैया आपको 17 सितंबर को मिल जाएगा मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इतना आप लोग समझ गए हैं, और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, 15 साल की, मैं आपको हर चीज बता चुकी, मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया है, पूरा नोटिफिकेशन पड़ेगी तो टाइम लगेगा, मैंने सारी चीजें आपको शॉर्ट में बता दी हैं। ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस 100 रुपये है ना, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, पूरा का पूरा PDF है, रिक्वायरमेंट है आपकी जो भी है,
आप उसको पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैंने दे दिया है ये पीडीएफ पूरा का पूरा। और आपको अप्लाई देखिए कहाँ से करना है, www.rccr.com पर। इस पर आपको ऑनलाइन आवेदन होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि देखिए इसमें बहुत गलतियाँ इधर उधर हो जाती हैं, तो आप जनसेवा केंद्र, जनसेवा केंद्र तो सब लोग जानते होंगे, साइबर कैफे, जनसेवा केंद्र से आप लोग अप्लाई करवा लीजिएगा। 100 रुपये फीस लगेगी, और लड़कियों को तो फीस लगने ही वाली नहीं है, वो बात अलग है कि जनसेवा केंद्र वाले अपना अपनी फीस तो ले ही लेंगे 50-100 रुपये, ठीक है। तो आप वहीं से करवा लीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है, जैसे ही आपकी मार्कशीट और वो आए सर्टिफिकेट, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है किस पे, apprenticeshipindia.gov.in। इस पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना। देखिए प्रोसेस यही होती है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना। इस वेबसाइट पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप किसी भी अप्रेंटिसशिप में अप्लाई कर सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आपको आप नहीं कर सकते हो किसी भी अप्रेंटिसशिप में अप्लाई, ठीक है। सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा ये मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में देख लेते हैं फिर से, ये सारी चीज़ें पूरा का पूरा पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। यहाँ पर देखिए 29 तारीख से आप लोगों के ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे और 28 सितंबर तक चलेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ 2409 पद हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोपा ट्रेड को भी मौका दिया गया है, फिटर, वेल्ड, इलेक्ट्रिशियन, ये सारी ट्रेड तो हैं ही, आप लोग देख सकते हो अपनी ट्रेड वाइज। और अगर आपको यूजफुल लग रही हो ये वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिएगा, ठीक है।